नमस्कार छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, आज अपन 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के घन निकालने की शॉर्ट विधि सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे, वैसे कि 1 से लेकर 10 तक तो आप लोगों के लिए याद होना चाहिए, नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, अब जैसे अपने 11 का क्यू निकालना है तो कैसे, इसमें 4 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहां पर इसको मानेंगे ए और ये बी। ठीक है, पहले मैं फार्मूले से बता देता हूं, धीरे धीरे आप करोगे तो आने लगेगा आप लोगों को। ए क्यू प्लस 3a² b होता है फार्मूला इसका, फिर 3ab² और बी क्यू। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, इस 1 का क्यूब 1, फिर इनका आपस में आप आने देखो स्क्वायर करेंगे सेम ही आएगा, 1 एकम 1 3 गुणा 3 एकम 3, इसका भी ऐसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 एकम 1, 1 का 3 में 3 एकम 3, तो कितना आएगा 11 का क्यूब 1331। इसी प्रकार 12 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। ठीक है, फिर अपने 1 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2, 2 का 3 में तो 2 3 6, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 में 4 3 12। कंडीशन क्या है, एक एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2, 1 जी कैरी इसमें जुड़ जाएगी, तो 6 और 1 7 और 1 का 1, इसका आ गया अपना 1728 आंसर आ गया। इसी प्रकार 13 का क्यूब, ठीक है, 4 बॉक्स, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 3 एकम 3, 3 का गुणा 3 में 3 तरका 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 का गुणा 3 में 9 3 27, 7 2 इसमें जुड़ जाएंगे जी, जो हो जाएंगे 29 में से 9 ले लेंगे, 2 यहाँ पर जो हो जाएंगे 11, तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 1 और 1 2, तो कितना गया 2197। इसी प्रकार 14 का क्यूब, 4 बॉक्स, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, 4 एकम 4, 4 का गुणा 3 में 4 3 12, फिर 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का गुणा 3 में 16 3 48, 4 6 इसमें जुड़ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे 54 में से 4 लेंगे, 5 यहाँ जुड़ जाएंगे तो 17, 17 में से 7, 1 यहाँ पर जुड़ेगा तो 1 और 1 2, तो कितना है आंसर अपना 2744। इसी प्रकार 15 का निकालेंगे, 1 2 3 4, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 5 एकम 5, 5 का गुणा 3 में 5 3 15, फिर 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब 5 का 5 गुणा 5 करेंगे, 5 25, 25 का गुणा 3 में तो 25 3 75, 5 12 कैरी है इसमें जोड़ देंगे 12 हाँ से ले तो 7 8, 87 में से 7 लेंगे, 8 यहाँ पर जोड़ देंगे तो जो हो जाएंगे 23, 23 का 3 2 और 1, तो हो जाएगा अपना 3, तो कितना हो जाएगा 3375। ठीक है, अपन थोड़े इसके बाद वाली संख्याओं की देखते हैं। ठीक है, 16 17 18 19 और 20 का आप लोगों को होमवर्क लिए है। यहाँ पर अब अपन देखते हैं 23 का क्यूब, तो यही 4 बॉक्स, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब अपने क्या करना है, देखो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 4 का गुणा 3 में 4 3 12, 12 का गुणा 3 में 12 3 36 आ गया,
तीन का स्क्वायर नौ, नौ का गुणा दो में नौ दूनी अठारह, अठारह का गुणा इस तीन में तो अठारह तीन चौवन। एक बार दोबारा से देख लें, दो का क्यूब आठ, मतलब दो पर तीन घात लगाएंगे या दो को तीन बार लगकर गुणा करेंगे, दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ऐसे ही तीन को तीन बार लग के गुणा करेंगे, तीन गुणे तीन गुणे तीन, तीन त्रिकोण नौ तिया सत्ताईस। फिर क्या करना है अपने, पहली वाली का स्क्वायर करना है, दो का स्क्वायर चार, चार का गुणा तीन में चार तिया बारह, और ये तीन है पावर है तो इसमें भी करेंगे पावर में, तो बारह ती छत्तीस, तो ये लिख लिए। तीन का स्क्वायर फिर नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह गुणा तीन में चौवन। एक डिजिट लेना है सात, दो हासिल इसमें जुड़ जाएंगे जो हो जाएंगे छप्पन, छप्पन में से छह, पांच यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे इकतालीस, इकतालीस का एक लेना है, चार यहाँ जुड़ जाएंगे तो आठ और चार बारह, तो कितना हो गया बारह हजार एक सौ सड़सठ। कितने का क्यूब है जी, तेईस का क्यूब है। इसी प्रकार अपन चौबीस का निकालेंगे, चौबीस का क्यूब एक दो तीन चार, दो का क्यूब आठ, चार का क्यूब चौसठ, दो का स्क्वायर चार, चार चौका सोलह, सोलह गुणा तीन में सोलह ती अड़तालीस, ऐसे चार का स्क्वायर सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस तिया छियानवे। ठीक है, यदि गुणा करना ना है बत्तीस क्या था पहले तीन का, तीन तक नो मतलब तीस तिया नब्बे, और दो तीन छः नब्बे और छः छियानवे, ऐसा एक ही डेट लेना है। तो पहला इकाई अंक कितना है चार, छः इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे एक सौ दो, एक सौ दो में से दो, दस यहाँ पे जुड़ेंगे अट्ठावन, अट्ठावन में से लेना है आठ, पांच इसमें जुड़ जाएंगे तो आठ और पांच तेरह, जी आ जाएगा तेरह हजार आठ सौ चौबीस, चौबीस का क्यूब है जी। अब थोड़ी बड़ी संख्याओं को देखते हैं, जैसे कि अब निकालना है त्रेपन का क्यूब, ठीक है, त्रेपन का क्यूब, अंठानवे का क्यू और उन्यासी का क्यू, जो अपने निकालना है जैसे, तो कैसे निकालेंगे जी, यही है कंडीशन, चार बॉक्स, पांच का क्यू एक सौ पच्चीस, तीन का क्यू सत्ताईस, पांच के स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस तिया पचहत्तर, पचहत्तर का गुणा तीन में पचहत्तर तिया, पचहत्तर तिया देखो सात तरी इक्कीस दो सौ दस और पांच तिया पंद्रह, दो सौ दस और पंद्रह दो सौ पच्चीस आ जाएगा बेटा जी। तीन का स्क्वायर नौ, नौ का गुणा पांच में नौ पन्ना पैंतालीस, पैंतालीस तिया, पैंतालीस तिया, पैंतालीस तिया देखो पैंतालीस तिया मतलब चार का चालीस का बारह पढ़ लो, चार तिया बारह एक सौ बीस और पांच तिया पंद्रह, एक सौ बीस और पंद्रह एक सौ पैंतीस। सात दो इसमें जोड़ेंगे तो सात तीन एक, ठीक है, तो कितना जाएगा सात, हासिल आए तेरह, तेरह इसमें जोड़ दो, पांच और तीन आठ, पांच और तीन आठ, तीन दो, हासिल आए तेईस, तेईस इसमें जोड़ देंगे आठ चार एक, मतलब एक सौ अड़तालीस। ठीक है जी, आ गया अपना एक लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सतहत्तर। जैसे अंठानवे का निकालना है तो ऐसे चार बॉक्स बनाओ, नौ का क्यू सात सौ उनतीस, आठ का क्यू पांच सौ बारह, ठीक है ध्यान से देखते चलना, नौ का स्क्वायर इक्यासी, इक्यासी का गुणा, इक्यासी का गुणा आठ में, इक्यासी का गुणा आठ में करेंगे तो आठ एक का आठ, आठ लेंगे चौसठ, कितना रहा है छह सौ अड़तालीस, छह सौ अड़तालीस में कितने एक से मल्टीप्लाई करना है वो माने तीन से, तो आठ तरी चौबीस की चार, हासिल आई दो, तीचों को बारह और दो, चौदह की चार, हासिल आए एक, तीचिंग अठारह और एक उन्नीस, उन्नीस सौ चवालीस। इसी प्रकार आठ का स्क्वायर चौसठ, चौसठ नम्मा, चौसठ नम्मा, छनारे चौवन मतलब पांच सौ चालीस और चार नाम छत्तीस, पांच सौ चालीस और छत्तीस हो जाएंगे जी अपने छ सात पांच सौ छिहत्तर, चौसठ नम्मा पांच सौ छिहत्तर, पांच सौ छिहत्तर में तीन से मल्टीप्लाई, अठारह की आठ, हासिल आई एक,
तीस आते 21 और एक 22 की दो हासिल आई, दो ती पांचे 15 और दो 17, मतलब 1728। ठीक है, इनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, फिर भी हालांकि गुणा करने से अच्छा है कि अपन ऐसे कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है ऐसे। दो 51 कैरी में है, यहाँ जोड़ देंगे 9, 7, 7, 1, 9 ले लेंगे, 177 कैरी आ गई, 177 जोड़ेंगे 7, 4, 11 की एक, ठीक है 7, 4, 11, 12 की दो, 10 और 11 की एक, एक और एक दो, तो एक हासिल आई 212, जोड़ेंगे 11 की एक, 3 और एक 4, 7 और दो 9, मतलब 941। तो इसका आंसर आ गया 941192। इसी प्रकार अपने निकालना 79 का क्यू। तो कृपया आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके।